हेलो स्टूडेंट आज का वीडियो फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ बस सिस्टम पर है पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बस सिस्टम को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास डिजाइन अ कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स विच कंसिस्ट ऑफ एट रजिस्टर्स एंड ईच रजिस्टर है ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम एनी ऑफ दीज रजिस्टर टू अनदर थ्री बिट रजिस्टर विद नेम तो मैंने डायग्राम बना दिया है ये डायग्राम है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम जो आपकी मॉरिस मैनो की बुक में डायग्राम है उसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर भी बस सिस्टम बनाया गया है फोर बिट के लिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास चार रजिस्टर हैं और चार ही रजिस्ट जो चार रजिस्टर हैं आपके पास उनमें बिट्स चार ही हैं ठीक है तो जितनी भी बिट रजिस्टर में है उतनी ही लाइन का हम कॉमन रजिस्टर कॉमन बस सिस्टम बना रहे हैं जितनी जितनी भी आपके रजिस्टर में कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी आपकी बस में है ठीक है मतलब उतनी ही लाइन आपकी बस में है ठीक है अब यहाँ पर हमने चार मल्टीप्लेक्सर्स लिए हुए हैं क्योंकि आपके पास चार डिफरेंट रजिस्टर हैं उन चारों का आपके पास क्या आएगा इनपुट आएगा है ना और उनमें से कोई एक इनपुट एज ए आउटपुट निकलेगा ठीक है नेक्स्ट आपको सिलेक्शन लाइन दो लेनी है क्योंकि आपके पास चार रजिस्टर है चार रजिस्टर में से आपको सिलेक्ट करना है कुछ तो फिर आपको दो सिलेक्शन लाइन लगेंगी क्योंकि टू टू पावर इज इक्वल होता है फोर में से हमको सिलेक्ट करना है तो हमें दो सिलेक्शन लाइन लगेंगी अगर मान लीजिए एट रजिस्टर होते तो तीन सिलेक्शन लाइन हमको यहाँ पर लगती तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है मल्टीप्लेक्सर क्या करता है आपके मल्टीप्लेक्सर आपके पास चार है यहाँ पर और वो फोर बाई वन मल्टीप्लेक्सर है क्योंकि वो चार इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है तो फोर इज़ टू वन मतलब फोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट इनपुट में रजिस्टर से इनपुट जा रहा है एंड आउटपुट जो जा रहा है वो बस के लिए जा रहा है ठीक है तो ये आपको यहाँ पर और देखना है रजिस्टर्स के नाम ए बी सी डी हैं तो ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री डी ज़ीरो डी वन डी टू डी थ्री ये आपके एज ए आपने रजिस्टर के आपका डेटा है ये और ये जो डेटा है वो मल्टीप्लेक्सर में जा रहा है एज ए इनपुट तो पहले जैसे हम मान लीजिए आपका जीरो मल्टीप्लेक्सर उसकी बात करें तो उसमें ए जीरो बी जीरो सी जीरो डी जीरो एज ए इनपुट जा रहा है मतलब कि सारे रजिस्टर्स की पहली पहली बिट दूसरे मल्टीप्लेक्सर मक्स वन की बात करें तो इसमें हर एक रजिस्टर की दूसरी दूसरी मतलब ए वन बी वन सी वन डी वन दूसरी बिट जा रही है तीसरे रजिस्टर मक्स आ, आ, तीसरे मल्टीप्लेक्सर मक्स टू की बात करें तो यहाँ थर्ड बिट रही दैट इज ए टू बी टू सी टू एंड डी टू और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर ए थ्री बी थ्री डी थ्री एंड ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री यहाँ पर जा रहे हैं ठीक okay. है अब जो डायग्राम मैंने बनाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजाइन अ कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर विच कंसिस्ट ऑफ एट रजिस्टर्स एंड ईच रजिस्टर हैव थ्री बिट्स स्टोर्ड इन देम तो यहाँ पर हमें एट रजिस्टर्स लेने हैं तो मैंने रजिस्टर ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच रजिस्टर तक लिए हैं हर एक रजिस्टर में तीन तीन बिट है जीरो वन टू ठीक है नीचे से हम शुरू करें डायग्राम को जीरो वन टू ए जीरो ए वन ए टू बी जीरो बी वन बी टू सी जीरो सी वन सी टू ये इनके बिट्स हैं तीन मल्टीप्लेक्स हमको यहाँ लगेंगे ठीक है क्योंकि हमारे पास तीन ही बिट हैं रजिस्टर्स में और तीन ही लाइन का हम कॉमन बस जनरेट कर पाएंगे लेकिन चूंकि हमारे पास आठ रजिस्टर हैं तो उनको सिलेक्ट करने के लिए हमें तीन सिलेक्शन लाइंस लगेंगी टू टू दी पावर थ्री इज इक्वल टू एट तो एस टू एस वन एस जीरो तीनों सिलेक्शन लाइन हर एक मल्टीप्लेक्सर पे जाएगी जो कि ये बताएगी कि ये जो आठ लाइन जो इन एज ए इनपुट जा रही है क्योंकि एट बाय मल्टीप्लेक्सर हमें यहाँ लगेगा तो ये जो लाइंस जा रही है मल्टीप्लेक्सर पे उनमें से कौन सी लाइन आउटपुट यहाँ पर जनरेट होने वाला है ठीक है तो ये यहाँ से डिसाइड होगा सिलेक्शन लाइन्स से और ये तीन लाइन का कॉमन बस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन था अब इसका एक कॉमन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे अगर कुछ और चेंज होकर आता है क्वेश्चन तो वो भी आपको समझ में आ जाए तो बुक में ही यहाँ पर आपको लिखा है इन जनरल क्या होता है बस सिस्टम विथ मल्टीप्लेक्सर के रजिस्टर मल्टीप्लेक्स के रजिस्टर्स ऑफ एन बिट ईश टू प्रोड्यूस एन एन लाइन कॉमन बस ठीक है अगर आपके पास के रजिस्टर का मल्टीप्लेक्स करके आप कोई कॉमन बस सिस्टम बना रहे हैं और हर एक रजिस्टर में एन बिट है तो आपकी जो कॉमन बस बन लेगी उसमें एन लाइंस होंगी जैसा हम अभी देख चुके हैं तीन बिट का रजिस्टर है तो तीन लाइन की कॉमन बस जनरेट होगी चार बिट का रजिस्टर है तो चार लाइन की कॉमन बस जनरेट होगी और नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सेस नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द बस इज इक्वल टू एन है ना कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर लगेंगे जितने आपके पास बिट हैं तो हमारे पास थी बिट थी, तो तीन, तीन लगे। चार अगर आपके पास चार बिट थी तो चार मल्टीप्लेक्सर आपको लगेंगे है ना जितने भी रजिस्टर में बिट होंगे उतने ही मल्टीप्लेक्सर रखेंगे अब मल्टीप्लेक्सर के वाई वन का होगा के मतलब कि आपके पास के रजिस्टर्स हैं तो जैसे हमारे पास आठ रजिस्टर्स है तो एट वाई वन के मल्टीप्लेक्सर हमें लगे थे तीनों अगर हमारे पास तीन चार रजिस्टर थे तो चार बाई फोर बाय वन के हमें मल्टीप्लेक्सेस लगे थे क्योंकि जो डेटा लाइंस हैं वो रजिस्टर्स में से आ रही हैं तो एट रजिस्टर्स हैं तो एट डिफरेंट लाइंस वहां पर एज ए इनपुट जाएंगी ठीक है जैसे एग्जांपल यहाँ भी दिया है कि अगर हमें कॉमन बस बनाना है एट रजिस्टर्स का और अगर सिक्सटीन बिट है हर एक रजिस्टर में तो सोलह आपको मल्टीप्लेक्सेस लग जाएंगे ठीक है वन फॉर ईच लाइन इन द बस और सोलह लाइन की ही बस जनरेट होगी ठीक है हर एक मल्टीप्लेक्सर में आपके पास एट डेटा लाइन्स होंगी क्योंकि डिफरेंट uh, रजिस्टर्स यहाँ पे कितने एट रजिस्टर्स हैं तो एट डेटा लाइन्स होंगी और एट वाई वन का मल्टीप्लेक्सर आपका होगा वो ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें